So let's discuss principle of superposition of waves. Superposition of waves. ये principle जो दिखा रहा है उसके पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर a बार है और एक दूसरा वेक्टर b बार है। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों की क्या होगा, एडिशन होगा। और दोनों वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनका क्या होगा, इस तरह का जो एडिशन होता है, यानी आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का मतलब है अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो इस तरह से लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस तरह से लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन। बात समझ में आई? अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बता रहा है कि हमारे पास दो वेव्स है, ऐसा मान लेते हैं, सपोज दैट वी हैव टू वेव्स। पहले एकदम सिंप्लीफाई करते हैं, एक ही वेव इस तरह से दिखाएंगे, एक वेव ले ली, ये पहली वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड सपोज दैट 6 मीटर है। एक दूसरी वेव ले लेते हैं जिसकी एम्पलीट्यूड 3 मीटर है, इससे आधी वेव, बराबर है। पहले वेव की एम्पलीट्यूड 6 मीटर, दूसरे वेव की एम्पलीट्यूड 3 मीटर, और दोनों वेव अपने अपने एम्पलीट्यूड को एज इट इज रखेंगे। बोथ वेव्स आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेव अपने अपने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब व्हेनेवर बोथ वेव अराइव एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही जगह जब आ जाएंगे, अब आने के दो प्रकार है, कैसे है, या तो वो फेज में आएंगे या तो आउट ऑफ फेज में आएंगे, फेज में आना है ना इन फेज, या फिर आउट ऑफ फेज, इस तरह से वो मिलेंगे। हम दो स्पेशल केसेस कंसीडर करते हैं, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। तो जब दो वेव एक दूसरे पर सुपरपोज होंगे, इसका मतलब सिंपल फॉर्मेट में एक ही जगह पे आके रुक जाएंगे, ये वर्ड हम अभी यूज नहीं करेंगे फिलहाल, एक ही जगह पर आ गए। तो दोनों वेव एक ही जगह पर आ गए, अगर वो इन फेज आएंगे यानी क्रेस्ट विद क्रेस्ट, तो वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऐड करेंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो यहां पे क्रेस्ट इस तरह से 9 एम्पलीट्यूड 9 मीटर की बन जाएगी, ट्रफ विद ट्रफ है फिर से कितने मीटर की बनेगी, 9 मीटर की। तो क्या हुआ, यहां पे दो वेव जब एक दूसरे से मिल रहे हैं एक ही जगह पर, अगर वो फेज में मिल रहे हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा उस पॉइंट पे उन दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट की एडिशन हो जाएगा और हमें इस तरह से रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी। क्लियर हुआ? सपोज दैट यहां पर अगर ये दोनों वेव अपोजिट फेज में आते, अपोजिट फेज में आते हैं, अब मैं फिर से एक बार निकाल देता हूं फिगर, यहां पे अपोजिट फेज वाले भी फिगर देख लेते हैं। ये हो गई 6 वाली, बराबर है। अब दूसरी 3 वाले ले लेते हैं। अब आउट ऑफ फेज में जब हम कंसिडर करेंगे तो क्रेस्ट से कौन मैच करेगा, ट्रफ मैच करेगा, बराबर है कि नहीं। अब ये आउट ऑफ फेज में, इसलिए यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का क्या रहेगा, डिफरेंस। तो दिस विल बिकम लाइक दिस, यानी यहां पे पहले का y1 था, दूसरे का y2 था, तो इसका क्या आया, y1 माइनस y2। यहां पे y1 है y2 है तो इसका क्या आया, जब इस तरह से एडिशन होती है या तो प्लस या तो माइनस, इसको हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं। और ये क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, बराबर है कि नहीं। तो इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहते हैं। तो हम स्टेटमेंट बोलेंगे, इफ टू वेव्स अराइव, दो वेव एक ही जगह पर आ गए, इफ टू वेव्स अराइव एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, हर कोई अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है कि 6 मीटर वाली इसको दबा देगी 3 मीटर वाले को, ऐसा नहीं है, हर कोई अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। और एक ही जगह पर आने के बाद अगर वो फेज में आए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों के डिस्प्लेसमेंट की एडिशन होगी, आउट ऑफ फेज आए तो क्या होगा। सो हाउ कैन वी मेक स्टेटमेंट, इफ टू और मोर देन टू वेव्स, तो हम फिलहाल दो वेव को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। व्हेनेवर टू वेव्स
सुपरपोज विथ ईच अदर, सुपरपोज यानी अराइव एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, एक ही जगह पर आ गए एक ही समय पे. व्हेनेवर टू वेव्स सुपरपोज विथ ईच अदर, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट. हर वेव अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट द कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स. अब वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें आ गई, अगर वो इन फेज है तो प्लस, आउट ऑफ फेज है तो माइनस. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझा क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, व्हेनेवर टू वेव्स सुपरपोज विथ ईच अदर या व्हेनेवर टू वेव्स अराइव एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स. क्लियर हो गया? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. ये हमें यहां पे आगे लगने वाला है. ये क्लियर हो रहा है क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें पढ़ने का यहां पे मीनिंग ये है कि अगर वेव्स इन फेज मिलते हैं तो हम एडिशन कर देंगे एम्पलीट्यूड की या डिस्प्लेसमेंट की, और आउट ऑफ फेज हमें कहा है तो हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे. ये हमें यहां पे पढ़ना था. क्लियर हो गया कि नहीं? अब यहां पे और एक सिंपल केस लेते हैं कि सपोज दैट दो अलग अलग वेव है पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, y और y, दोनों का डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू y2 है. ऐसा मान लेते हैं कि पहले वेव का एम्पलीट्यूड 6 मीटर है तो दूसरे का भी कितना है? तो जब इन फेज आएंगे तो 6 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे. बराबर है. पर जब आउट ऑफ फेज आएंगे तो 6 माइनस 6 0 हो जाएंगे कि नहीं? इसका मतलब यहां पे हमें लाइट वेव का जब हम कंसिडरेशन करेंगे तो जब 6 प्लस 6 होगा तो 12 एम्पलीट्यूड हो जाएगी. तो वहां पे हमें दो लाइट वेव जब इस तरह से मिलेंगे इन फेज तो हमें ब्राइट पॉइंट मिलेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड 12 हो गई. पर अगर 6 माइनस 6 हुआ तो हमें डार्क पॉइंट मिलेगा क्योंकि 0 एम्पलीट्यूड हो गई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0 हो जाएगी. इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है. यहां पे चीजें समझना है एक एक. इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है, हम लाइट के बारे में सोच रहे हैं इसलिए अभी सिर्फ उसका ही डिस्कशन करेंगे. इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एम्पलीट्यूड स्क्वायर. अब सपोज दैट दो लाइट वेव जिनकी एम्पलीट्यूड सेम है अगर वो मिल गए, ये पहली वेव एक दूसरी वेव, तो दोनों की एम्पलीट्यूड एड होके डबल हो जाएगा तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो कैसा रहेगा? ब्राइट पॉइंट. पर अगर दोनों अपोजिट फेज में मिले तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगी. एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगी इसका मतलब इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी 0 यानी लाइट नहीं है. लाइट नहीं इसका मतलब क्या है? बात समझ में आए? और ये हमें थ्योरम, ये जो हमें थ्योरेटिकल कंसिडरेशन कर रहे हैं हम, इसका किस बेसिस से, किस बेसिस से लिया हमने? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. क्लियर हो रहा है क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमने लिया इसको. तो हम अभी अगला पॉइंट पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसके पहले भी हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे. कोहरेंट सोर्सेस, कोहरेंट सोर्सेस तुम्हें एग्जाम में बोर्ड में आएगा. राइट ए नोट ऑन कोहरेंट सोर्सेस 2 मार्क के लिए. अब कोहरेंट सोर्सेस है ना क्या? दो अलग अलग लाइट वेव्स हम ले रहे हैं. सपोज दैट ये पहला सोर्स S1 है और एक दूसरा सोर्स S2 है. यहां से निकलने वाली एक वेव है, यहां से निकलने वाली वेव है, यहां पे कहीं तो भी उनका क्या हो रहा है? सुपरपोजिशन हो रहा है. ठीक है कि नहीं? अब इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन होने के बाद या तो हमें ब्राइट पॉइंट मिलेगा या तो डार्क पॉइंट मिलेगा. डिम लाइट भी मिल सकता है क्योंकि अगर सपोज दैट पहले की एम्पलीट्यूड 6 है और दूसरे की एम्पलीट्यूड 3 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 3 हो जाएगी. बराबर है कि नहीं? 9 हो जाएगी यानी ब्राइट पॉइंट मिलेगा. पर अगर पहले की 6 है और दूसरे की 3 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें 3 मिलेगी तो ये डिम लाइट हो जाएगा. ये डार्क पॉइंट नहीं है क्योंकि एम्पलीट्यूड है ना. अगर सपोज दैट पहले के एम्पलीट्यूड 6 है, दूसरे के एम्पलीट्यूड 3 है. अरे भाई क्लियर हो रहा है क्या? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ रही है यानी ब्राइट पॉइंट हो गया.
अब यहाँ पे हमें डार्क पॉइंट मिल नहीं सकता क्योंकि 6 - 3 3 होगा तो एम्पलीट्यूड है तो हमें डिम लाइट मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम अगला पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास दो सोर्सेस है S1 और S2। तो कोहरेंट सोर्सेस का मतलब क्या है कि कोहरेंट सोर्सेस यानी ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है और दोनों में जो फेज डिफरेंस है, दोनों वेव में फेज डिफरेंस है तो जीरो होना चाहिए, या तो अगर दूसरा है तो वो भी हमेशा कैसे होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे दोनों जो वेव्स होंगी, पहली वेव जो S1 ने निकाली है, सोर्स S1 ने, दूसरी एक वेव जो सोर्स S2 ने निकाली है, पॉइंट चाहे कोई भी हो, किसी भी पॉइंट पे उनका फेज डिफरेंस जो होने वाला है या तो जीरो होना चाहिए या तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और एम्पलीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। ये सारे केसेस जब मैच हो जाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, ये दोनों S1 और S2 क्या हो गए, कोहरेंट सोर्सेस। फिर से बताता हूं, ध्यान दो, हम बढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की तरफ। उसके पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख लिया, अब कोहरेंट सोर्सेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास दो सोर्सेस है S1 और S2। इन दोनों सोर्स से निकलने वाले जो वेव्स है वो कहीं तो भी मिलने, ऐसा करते हैं कि मैं यहां से निकलने वाली वेव्स जो है तो वेव्स यानी क्रेस्ट एंड ट्रफ होंगे, इससे निकलने वाली जो वेव है स्फेरिकल इसको हम क्रेस्ट ऐसा बताते हैं, इसकी ट्रफ हम डॉटेड लाइन से बताते हैं, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, इस तरह से। अब ये जो S2 है इसकी भी खुद की स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगी, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। देखो मीडियम में दोनों वेव सुपरपोज हो रहे हैं और जब सुपरपोज होंगे तो या तो ब्राइट पॉइंट मिलेगा या तो डार्क मिलेगा या तो डिम मिलेगा। हमें ब्राइट और डिम नहीं चाहिए, हमें ब्राइट और डार्क चाहिए, और अगर डार्क पॉइंट हमें अगर चाहिए तो एम्पलीट्यूड कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तभी जीरो होगा ना, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, जीरो बराबर है, रिजल्टेंट का जीरो होना चाहिए, पर इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड दोनों का कैसा होना चाहिए, सेम। क्लियर हुआ कि नहीं? तो उसके लिए जब हमें एग्जैक्टली ब्राइट एंड एग्जैक्टली डार्क पॉइंट चाहिए और इक्वल इंटेंसिटी के ब्राइट पॉइंट चाहिए तो क्या कंडीशन है कि जो दोनों सोर्सेस है वो कैसे होने चाहिए, कोहरेंट सोर्सेस। का मतलब है ये दोनों सोर्सेस में से निकलने वाले वेव्स के सारे प्रॉपर्टीज सेम चाहिए। क्या सेम चाहिए, दोनों का वाइब्रेशन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में चाहिए, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अभी हम पोलराइजेशन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारा एक अलग स्पेशल लेक्चर का बड़ा टॉपिक है, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ वर्ड ध्यान में रखो कि दोनों के सारे प्रॉपर्टीज सेम चाहिए। इसका मतलब क्या, दोनों से निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस जो है या तो जीरो चाहिए या तो कॉन्स्टेंट चाहिए। जब ये सारे कंडीशन मैच हो जाएंगे तो हमें इन दोनों के सुपर पोजिशन से या तो ब्राइट पॉइंट मिलेगा या तो, यानी एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पे वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पे वेव की एम्पलीट्यूड कम हो जाएगी। बात समझ में आई? और इसकी वजह से इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और, तो एक्चुअली इंटेंसिटी बढ़ना और कम होना कोई बाहर के लाइट ने दिया है क्या, वो दोनों सोर्सेस के जो वेव्स निकल रहे हैं उसी के इंटरएक्शन से क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट्स हमें ब्राइट मिलेंगे कुछ पॉइंट्स, यानी एक जगह इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक जगह इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। यानी क्या हुआ, शुरुआत में इनकी खुद की इंटेंसिटी सेम थी, अब क्या हुआ, इंटरएक्शन की वजह से इंटेंसिटी या तो कम हो रही या तो, यानी इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, अरे बात समझ रहे कि नहीं? और ये जो फेनोमेनन है इसी को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब तो एकदम सिंपल, इसमें ये थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लगा होगा शायद, हम इसको और सिंपल करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सुपरपोजिशन देख लिया क्या, सुपरपोजिशन में हमने क्या बात सीखी, एक इंपॉर्टेंट बात सीखी, अगर हमारे पास पहली वेव है जिसका
एम्पलीट्यूड कितना है वाई वन, दूसरी वेव का जब ये दोनों एक साथ इन फेज में आएंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, और आउट ऑफ फेज में आएंगे तो y1 माइनस y2, बराबर है कि नहीं। इस तरह से हमने पढ़ लिया। सो व्हेनेवर टू वेव्स अराइव एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये बात हमने क्लियर कर ली। अब दूसरी बात हमें देखना है कोहरेंट सोर्सेस। कोहरेंट सोर्सेस किसे कहेंगे? कोहरेंट सोर्सेस आर द सोर्सेस हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस या तो सेम होना चाहिए या तो सेम एन ए कॉन्स्टेंट जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर मैच हो गई तो उन्हें कोहरेंट सोर्सेस कहेंगे। अब जब दो कोहरेंट सोर्सेस हमारे पास कंसिडरेशन में लाना है तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी ऑप्टेन कोहरेंट सोर्सेस, हाउ कैन वी ऑप्टेन कोहरेंट सोर्सेस, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर सपोज दैट हम दो अलग अलग सोर्सेस कंसिडर कर रहे हैं जिनके पूर्वजों का कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सपोज दैट कोई सोर्स है वो किसी दूसरे सोर्स से नहीं मिला है, इसका मतलब वो सेकेंडरी नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? तो दो अलग अलग प्राइमरी सोर्सेस है तो वो कभी भी कोहरेंट नहीं हो सकते। दो अलग अलग सोर्सेस, टू डिफरेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहरेंट। टू डिफरेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहरेंट। तो कोहरेंट सोर्सेस मिलाएंगे कैसे? तो हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स होना चाहिए एस। उस प्राइमरी सोर्स ने क्रेस्ट ट्रफ इस तरह से निकाले। इस प्राइमरी सोर्स के आगे हम एक प्लेट लगा देंगे और इस प्लेट को दो होल कर देंगे। अब यहां पे इस होल को मैं S1 बोलता हूं, इस होल को S2 बोलता हूं। अब ये जो वेव्स है प्राइमरी सोर्स से निकलने के बाद इन एपर्चर में से आगे बढ़ेगी, ये सेकेंडरी सोर्सेस के हिसाब से काम करेंगे, इनकी खुद की क्या तैयार होगी, वेव फ्रंट बनेगी। समझ रहे क्या? और वो सारे पैरामीटर सेम रहेंगे। अब ये दोनों सोर्सेस से निकलने वाली जो भी वेव्स है उनके सारे कैरेक्टर कैसे हैं? और यही कोहरेंट सोर्सेस। तो इसका मतलब कोहरेंट सोर्सेस का पूर्वज एक ही होना चाहिए। तो कोहरेंट सोर्सेस एक दूसरे के इमेजेस है और कोहरेंट सोर्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पूर्वज सेम का हमें स्टेटमेंट क्या बनाना है? कोहरेंट सोर्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन एंड द सेम सोर्स। कोहरेंट सोर्सेस, हाउ कैन वी ऑब्टेन कोहरेंट सोर्सेस? कोहरेंट सोर्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन एंड द सेम सोर्स। एक ही सोर्स से जब हम दो सोर्स बनाएंगे तो वो दोनों के दोनों कैसे होंगे? इसको कंडीशन है कि वो दोनों इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। जब एक ही सोर्स से हमें दो सोर्स बनाने हैं तो दोनों सोर्सेस इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। कहां से? यहां से इक्विडिस्टेंट है। और ये दोनों सोर्सेस कोहरेंट होंगे क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज सेम होंगे। दोनों को हम इमेजेस ऑफ ईच अदर बोलेंगे। अब ये जो दोनों सोर्सेस है ये इनमें से निकलने वाली जो वेव्स है ये यहाँ पे सुपरपोज होगी, हमें एक्चुअली आंखों से दिखाई नहीं देगा, पर हम आगे एक स्क्रीन रखेंगे और हमें क्या दिखाई देगा कि इस स्क्रीन पे सेंट्रल स्पॉट ये ब्राइट रहेगा, उसके बाद ब्राइट रहेगा, ब्राइट रहेगा, ब्राइट रहेगा, इक्वल डिस्टेंसेस पे, और सेंट्रल स्पॉट जो ब्राइट है उसके बाद आएगा डार्क पॉइंट, डार्क पॉइंट, डार्क पॉइंट, यानी सेंट्रल ब्राइट पॉइंट के बाद अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट पॉइंट मिलेंगे। तो इस स्क्रीन पे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट पॉइंट क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहां पे जो वेव सुपरपोज हो रहे हैं वो एक बार जहां पे ब्राइट मिल रहे हैं वहां पे इन फेज होंगे, जहां पे डार्क मिल रहे हैं वहां पे आउट ऑफ फेज होंगे। और ये जो फेनोमेनन है, दिस फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? इट इज द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई ना, एक जगह मैक्सिमम हो गई, एक जगह मिनिमम हो गई,
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस वजह से, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। बात समझ में आई? अरे क्लियर हुआ क्या टॉपिक? तो व्हेनेवर टू वेव्स अराइव एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स। ये तो सुपरपोजिशन हो गया, और इसी को फॉलो करके इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी जब दो लाइट वेव सुपरपोज होंगे और हमें अगर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पॉइंट मिल रहे हैं या ब्राइट और डिम मिल रहे हैं, तो वो भी क्या है? इंटरफेरेंस है। बात समझ में आया कि नहीं? चाहे ब्राइट और डिम मिले या ब्राइट या डार्क मिले, हमें इंटरफेरेंस हो रहा है, ये क्लियर हो गया। अब ब्राइट और डार्क एग्जैक्टली अगर मिलाने हैं तो कंडीशन क्या है? कोहेरेंट सोर्सेस। दो अलग अलग सोर्सेस से हम इस तरह से नहीं मिला सकते। अगर ब्राइट और डार्क चाहिए, वो भी इक्वली स्पेस्ड, इनका डिस्टेंस एक दूसरे से संबंधित कैसे होना चाहिए? तो इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क पॉइंट जिस स्क्रीन पे होते हैं उसको कहते हैं स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन। जिस स्क्रीन पर इक्वली स्पेस्ड ब्राइट पॉइंट्स एंड डार्क पॉइंट्स होते हैं अल्टरनेटली सिचुएटेड, ऑब्वियसली इज कॉल्ड एज अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन। तो स्टेडी इंटरफेरेंस, या इसे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस भी कहा जाता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कब मिलेगा? जब सोर्सेस सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेज डिफरेंस। हालांकि कोहेरेंट सोर्सेस में सेम एम्पलीट्यूड या कंडीशन नहीं आती, एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है। कोहेरेंट सोर्सेस में पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन फ्रीक्वेंसी सेम होना और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना। बात समझ रहे क्या? आपको नहीं समझा है? बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। और अभी हमने ये जो टॉपिक देखा, यहाँ पे हमने एक प्राइमरी सोर्स लिया, उस प्राइमरी सोर्स के दो इमेज बनाए, कोहेरेंट सोर्सेस बनाए, उन दोनों कोहेरेंट सोर्सेस का इंटरफेरेंस हुआ और हमें स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क पॉइंट मिले। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये थॉमस यंग ने किया हुआ था, थॉमस यंग, और इसी को कहते हैं यंग्स डबल स्लिट। ये स्लिट है, डबल स्लिट, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डेमोन्स्ट्रेशन थॉमस यंग ने ही किया था, और उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया था? ही यूज्ड सन एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। उस वक्त तो कुछ ऐसा था नहीं टेक्निक, तो उसने सोलर एनर्जी ली होगी। उस सोलर एनर्जी को एक पर्टिकुलर उसने कुछ प्लेट बनाई होगी, उस प्लेट से उसने सोलर एनर्जी को आगे जाने दिया होगा सनलाइट को। उसके बाद और एक प्लेट उसने बनाई, और उस प्लेट को उसने दो होल बनाए होंगे। अब यहां से ये जो सनलाइट के वेव्स निकल रहे हैं इस तरह से आगे बढ़े होंगे, समझ रहे हैं क्या? अब ये दोनों जो होल्स है वहां से लाइट आगे बढ़ेगा, और उसने यहां पे एक स्क्रीन रख दी, और इस स्क्रीन पे उसे क्या मिला? अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पॉइंट मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन दोनों में से जो निकलने वाले वेव्स है उनका क्या हुआ? इंटरफेरेंस हुआ। दिस इज कॉल्ड एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर हुआ क्या? अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फिगर कैसे आपको क्लियर हो रहा है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फिगर कैसे निकालेंगे तो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको बोर्ड में ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम शोइंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी आ सकता है। आपको इंटरफेरेंस क्लियर हो गया? दो लाइट वेव जब सुपरपोज होंगे तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी होगा। यानी कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जहां पे हमें इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड मिलेगी, अल्टरनेटली डिक्रीज्ड एम्पलीट्यूड होगी। सो एनहांसमेंट एंड डिक्रीमेंट, अल्टरनेट एनहांसमेंट एंड डिक्रीमेंट इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आप नींदे ले रहे भाई? जयेश भाई क्लियर हो रहा है क्या? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फिगर आप कैसे निकालेंगे? मैं आपको सिंपल टेक्निक बता देता हूं। एक पहले आप एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करो,
उसका सेंटर पहले लाइन निकाल दो, लाइन का सेंटर निकाल दो, परपेंडिकुलर बायसेक्टर बोलो या सेंटर लाइन निकाल दो, इसमें दो होल कर दो इक्वी डिस्टेंट पे, यहां से डेढ़ सेंटीमीटर डेढ़ सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ले लो, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना अच्छा, पर अच्छी फिगर निकालने के लिए 1.5 सेंटीमीटर ले लो, वो दैट इज नॉट द इसेंशियल कंडीशन। आप तीन तीन सेंटीमीटर भी ले सकते हो, दो दो सेंटीमीटर भी ले सकते हो, अच्छी फिगर के लिए 1.5 सेंटीमीटर ले लो। और यहां से एक करीब में एक सोर्स दिखा दो एस, फिगर कैसे निकालेंगे, सोर्स एस निकाला, राउंडर लो, इसको सेंटर बनाओ, कंटिन्यूअस लाइन डिसकंटिन्यूअस लाइन कंटिन्यूअस लाइन, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है क्रेस्ट कर्व, क्रेस्ट कर्व। तो यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे हैं, अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट S1 और S2 में से आगे बढ़ेंगे और हमें ब्राइट और डार्क पॉइंट कहां पे मिलेंगे, स्क्रीन पे मिलेंगे। पर वो कैसे मिलेंगे वो दिखाने के लिए S1 को सेंटर लो और एक कंटिन्यूअस बनाओ, सेम राउंडर यहां पे लो, सेम रेडियस वाला यहां पे बनाओ कंटिन्यूअस, उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज करो डिसकंटिन्यूअस, फिर कंटिन्यूअस, समझ रहे क्या, दोनों के सेम टाइम में यहां से हुआ के यहां पे करो, फिर से डिसकंटिन्यूअस, फिर से कंटिन्यूअस, ऐसे 5 से 6 लाइन दिखा दो। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्लीट है और ये जो स्क्रीन है इसके बीच में क्या हो रहा है, स्लिट और स्क्रीन के बीच में दोनों वेव्स जो कोहरेंट सोर्सेस से निकले हुए हैं वो सुपरपोज हो रहे हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रही है, ट्रफ ट्रफ से मिल रही है, वो जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, ब्राइट होंगे, और वो हमें यहां पे दिखाई देगा, क्योंकि ये जो लाइन है यहां पे सारे वेव्स इन फेज मिल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट इसे कहते हैं ब्राइट पॉइंट, और पर्टिकुलरली सेंट्रल ब्राइट पॉइंट या सेंट्रल ब्राइट बैंड CBB। बात समझ में आई। अब आगे हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, इसके बाद अगर आपकी फिगर प्रॉपर है तो आप एक लाइन इससे ड्रॉ कर सकते हो जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे। देखो ये फिगर अभी डायमेंशनली करेक्ट नहीं, आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसके बाद आपको लाइन पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी वो कौन सा पॉइंट होगा, डार्क पॉइंट होगा। इसके बाद भी उसी तरह से आपको लाइन मिलेगी, वो भी क्या होगा, उसके बाद और एक लाइन दिखा दो जहां पे ब्राइट पॉइंट आएगा, और पॉइंट दिखा दो ब्राइट पॉइंट आएगा, तो अल्टरनेटली सिचुएटेड डार्क एंड ब्राइट पॉइंट मिलेंगे सेंट्रल ब्राइट पॉइंट के बाद। दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और यही YDAC की फिगर है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का 2 मार्क के लिए आपको बोर्ड में आएगा, ये ध्यान में रखना है। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट कोहरेंट सोर्सेस, स्क्रीन और स्लिट में डिस्टेंस कैपिटल डी से दिखाएंगे, और ये दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो स्मॉल डी से माने, इस सोर्स से निकलने वाले वेव की वेवलेंथ लैम्ब्डा मान लेंगे। आपको समझ में आया, मैं फिर से एक बार निकाल के दिखाता हूं फिगर, ध्यान दें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे फिगर ड्रॉ करते थे, क्या लेक्चर इरेग्युलर हो रहा है या प्रॉपर सिक्वेंशियली हो रहा है, कंसेप्ट का लिंक लग रहा है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करूं, इस तरह से दो पैरेलल लाइंस निकाल लो, दोनों को एक लाइन से जोड़ दो, सबसे पहले यहां से 1.5 सेंटीमीटर पे, यहां से 1.5 सेंटीमीटर पे होल्स कर दो, ये सोर्स S1 सोर्स S2 हो गया, और यहां पे एक करीब ही प्राइमरी सोर्स बना दो, फिर राउंडर से कंटिन्यू, मैंने जैसे बताया फिगर इस तरह से निकालनी है, क्लियर हो गया। यहां पे ब्राइट और डार्क पॉइंट मिलने वाले, सेंटर में ब्राइट मिलेगा CBB सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, फिर मिलेगा डार्क, फिर मिलेगा ब्राइट, इस तरह से। तो दिखाने के लिए यहां पे सेम वर्कआउट करना है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ये जो लाइन है सेंट्रल लाइन पे सारे फेज में आ रहे, देखो क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, तो यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, और उसका हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से समझ रहा है कि ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स मिल रहे। ये जो स्क्रीन है जहां पे हमें इक्वली स्पेस्ड, कौन से
इक्वली स्पेस्ड, इक्वली सिचुएटेड, अल्टरनेटली ब्राइट एंड डार्क पॉइंट मिल रहे, इसे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन बोलेंगे। और ये है कोहरेंट सोर्सेस, क्योंकि दीज आर फॉर्म्ड बाय वन एंड द सेम सोर्स। लेट कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट एंड स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर ऐसा है तो दो ब्राइट पॉइंट और दो डार्क पॉइंट में जो डिस्टेंस होता है, अब सपोज दैट ये बार ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है, उसके बाद क्या आएगा? डार्क। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फिर से, तो या तो दो एडजेसेंट ब्राइट पॉइंट्स, दो एडजेसेंट ब्राइट पॉइंट्स है, दो एडजेसेंट, इनमें जो डिस्टेंस होता है उसे फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ। ध्यान देना अच्छी तरह से, दो एडजेसेंट ब्राइट पॉइंट्स या दो एडजेसेंट डार्क पॉइंट्स, इनका जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये ध्यान में रखना है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सोर्स, कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट एंड स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। तो ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, और इससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जो सोर्स हमारे पास है उसकी वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, समझ में आई बात? यंग्स, थॉमस यंग वॉज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्सपेरिमेंट। उसी ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पूरा अच्छी तरह से बताया था। क्लियर हो गया? मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हमें इंटरफेरेंस के बाद एग्जैक्टली ब्राइट और एग्जैक्टली डार्क ही पॉइंट्स मिलेंगे। ब्राइट तो मिलेंगे, एग्जैक्टली डार्क ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली डार्क पॉइंट मिलने के लिए जरूरत है कि दोनों के दोनों सोर्सेस के एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, तभी वो कैंसलेशन होगा। और एम्पलीट्यूड जब जीरो हो जाएगी तो इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स के लिए सबसे पहले प्राइमरी सोर्स लो, उसके दो इमेज बनाओ कोहरेंट सोर्सेस, उन दोनों का इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस होने के बाद हमें स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइट पॉइंट मिलेगा, विच इज फॉलोड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट पॉइंट्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। देयरफॉर दैट स्क्रीन इज कॉल्ड एज स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन। व्हाट आर द कंडीशंस टू गेट स्टेडी इंटरफेरेंस? अब अगला क्वेश्चन, इंटरफेरेंस क्लियर हो गया। अब स्टेडी इंटरफेरेंस में हमने क्या कहा? ये तो ब्राइट मिलना चाहिए और डार्क, डिम लाइट नहीं चलेगा, उसे हम स्टेडी नहीं कहेंगे। ब्राइट और डार्क मिलना चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, उनकी पोजीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। बात समझ रहे ना? स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट और डार्क पॉइंट्स की पोजीशन भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। समझ रहे क्या पॉइंट? हमने इंटरफेरेंस देखा, इंटरफेरेंस समझ में आई बात? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आया, उसका फॉर्मूला समझ में आया। ये एक्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट और डार्क पॉइंट, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका हम प्रूफ भी करने वाले हैं आगे। और इस फॉर्मूले की मदद से हमें लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन एक्स डी से वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट मिल जाएगा। क्लियर हुआ क्या? कि कुछ डाउट है? समझ में आई बात? कुछ क्वेश्चंस है? आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ भी लिंक नहीं लगा है। पक्का समझ रहा है? यस। अगर अगर ये सोर्सेस कोहरेंट नहीं है, कोहरेंट नहीं है, तो ये जो हमें पॉइंट मिला है ये डार्क क्यों होगा? अगर सपोज दैट एक की एम्पलीट्यूड 7 है और दूसरे की 6 है, तो जब 6 और जब इन फेज होगा तो ये 13 वाला हो जाएगा, बराबर के नहीं? पर आउट ऑफ फेज होगा तो ये 1 वाला होगा ना। एम्पलीट्यूड 1 एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब इंटेंसिटी बहुत कम है, पर 0 है क्या? तो 0 नहीं, इसका मतलब लाइट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिम लाइट है। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देख रहे हैं हम। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस टू गेट स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न
या सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए क्या कंडीशन है? एग्जाम में कंडीशन भी पूछे जाएंगे, कंडीशन टू गेट स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या सबसे पहले तो सोर्सेस कोहरेंट होने चाहिए, दूसरा दोनों के दोनों सोर्सेस की एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, सोर्सेस नैरो होने चाहिए। अब यहां पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये S1 और S2 लिया हमने, ध्यान देना अच्छी तरह से। Why sources should be narrow? Important point आ गया, sources एक दूसरे से बहुत क्लोज होने चाहिए। Narrow, narrow का मतलब है कि सपोज दैट मैं यहां पे बड़ा होल कर दू एक, ये बड़ा होल करना ये नैरो नहीं है, ये ब्रॉड हो गया। नैरो का मतलब है कि स्लिट एक्चुअली इतनी ऐसी चाहिए, बहुत छोटा चाहिए एपर्चर। यहां पे मैंने बड़ा होल कर दिया है, दिस इज नॉट नैरो। सोर्सेस बहुत दूर भी नहीं चाहिए और जो एपर्चर है वो बहुत छोटा चाहिए। तो कंडीशन क्या है? कोहरेंट सोर्सेस, एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, सोर्सेस कैसे होने चाहिए और कैसे चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा क्यों, नैरो और क्लोज क्यों? कि सपोज दैट सोर्सेस जो है वो नैरो नहीं है। अगर सोर्सेस नैरो नहीं है तो यहां से पहले इसमें से जितने वेव्स निकलेंगे उससे बहुत ज्यादा वेव यहां से बाहर आएंगे कि नहीं? क्लियर कट दिख रहा है, छोटा एपर्चर है तो वहां से निकलने वाले नंबर ऑफ वेव्स की संख्या भी कम रहेगी, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस, सेकेंडरी वेव फ्रंट भी कम बनेंगे। ध्यान दीजिए अच्छे से, यानी नंबर ऑफ वेव्स कम बनेंगे ना। अगर एपर्चर बड़ा है तो इधर जो वेव्स की संख्या है तो बहुत बढ़ जाएगी, अगर वेव्स के नंबर बढ़ गए तो सुपर पोजिशन वाले वेव्स भी बहुत ज्यादा रहेंगे। जितने ज्यादा सुपर पोजिशन होंगे उतने ज्यादा ब्राइट और डार्क पॉइंट्स बनेंगे। बात समझ रही है क्या? कंसेप्ट समझ में आ रही है? पहले क्या था, नैरो स्लिट में क्या होगा, यहां से निकलने वाले वेव्स के नंबर्स कम होंगे। सपोज दैट 10 वेव इसने निकाले और इसने भी 10 निकाले, तो 10 वेव के जितने ब्राइट पॉइंट डार्क पॉइंट होने वो निकलेंगे। पर अगर बड़ा एपर्चर कर दिया कि 10 के जगह यहां पे 100 हो जाएंगे। अब शुरुआत में जब नैरो सोर्स ऑफ लाइट है, ये जब 10 वेव्स ऊपर और 10 वेव्स नीचे, इनका इंटरफेरेंस होने के बाद ब्राइट और डार्क पॉइंट हमें समझ में आ रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क पॉइंट्स की संख्या भी कम होगी ना फिर। पर अगर एपर्चर बड़ा ले लिया तो ज्यादा से ज्यादा वेव दोनों प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेव का इंटरफेरेंस होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्राइट और डार्क पॉइंट्स बनेंगे। तो यहां पे उतनी ही जगह पे ज्यादा ब्राइट और डार्क पॉइंट्स हो जाएंगे। और जब हम इसको देखेंगे तो हमें ये पैटर्न प्रॉपर समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि जहां पे जिस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स बैठने वाले हो वहां पे अगर मैं 200 स्टूडेंट बैठाने की कोशिश करूंगा तो पॉसिबल है क्या? हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्पेस तो उतना ही है, पहले सपोज दैट 50 डार्क और ब्राइट पॉइंट्स थे, अब यहां पे इतने वेव्स बढ़ गए हैं कि वो 50 की जगह 500 हो गए। तो हम अगर देखेंगे भी तो हमें डार्क और ब्राइटनेस के पॉइंट्स की पोजीशन ध्यान में नहीं आएगी, यानी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियरली नहीं समझेगा। बात समझ में आई? सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए, अगर सपोज दैट सोर्सेस दूर होंगे तो फिर से वेव्स की संख्या ज्यादा, इंटरफेरेंस ज्यादा होगा ना, फिर से जितना ज्यादा इंटरफेरेंस उतना ही नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क पॉइंट ज्यादा होंगे, वो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। शॉर्ट में इतना हमें ये समझने की बात हो गई, शॉर्ट में इतना ही ध्यान में रखना है। हाउ कैन वी गेट स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न? कोहेरेंट सोर्सेस, सेम एम्पलीट्यूड, नैरो, क्लोज। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने के बाद एक पांचवा इंपॉर्टेंट है, जो दोनों वेव्स है S1 और S2 से निकलने वाले, उन दोनों वेव्स का जो वाइब्रेशन है वो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं देना चाहता, जब पोलराइजेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा तब हम लेंगे। क्लियर हो गया क्या? कंडीशन टू गेट स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। कोहरेंट में क्या क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी सेम, कांस्टेंट फेज डिफरेंस आ गया, सेपरेटली हमने लिख लिए, क्लियर हो गया। अब हमने इंटरफेरेंस देखा, YDAC देख लिया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लिया, कोहरेंट सोर्सेस यानी क्या वो देख लिया हमने, कंडीशंस टू गेट स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न देखा। अब इंटरफेरेंस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
कि जब दोनों वेव्स इन फेज होंगे तो रिजल्टेंट फेज रिजल्टेंट वेव कैसे करेंगे, y1 प्लस y2 यानी एम्पलीट्यूड की एडिशन होगी। जब दो वेव्स अराइव इन फेज होंगे तो एम्पलीट्यूड की क्या होगी, एडिशन होगी। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्ट हुई ना। इस तरह का जो इंटरफेरेंस है उसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फिर हमें ब्राइट पॉइंट मिलेगा या डार्क पॉइंट मिलेगा, ब्राइट पॉइंट, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ रही है तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। और अब अगर ए माइनस ए वाई वन माइनस वाई टू कब होता है, जब आउट ऑफ फेज होता है तब, तो उस वक्त एम्पलीट्यूड कम हो रही है तो कौन सा इंटरफेरेंस हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। बराबर है कि नहीं, हमें डार्क पॉइंट मिल रहा है। तो इंटरफेरेंस के भी दो प्रकार, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। हमारा क्वेश्चन ऐसा है बोर्ड के हिसाब से, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड राइट द कंडीशंस टू ऑब्टेन देम, कि कंस्ट्रक्टिव कब मिलेगा और डिस्ट्रक्टिव कब मिलेगा, इसकी कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। बात समझ में आई। जब दो वेव्स इन फेज मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड की एडिशन होगी तो कंस्ट्रक्शन होगा, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आउट ऑफ फेज होंगे तो सबट्रैक्शन होगा यानी डिस्ट्रक्शन होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ बोलो।